मम्मी की पैकिंग हो रही है हैं, और एम्बर देख रही है उनको पैकिंग करते हुए, खेल रही है। मम्मी बुलाओ ना एम्बर नू। एम्बरू एम्बरू मैं नहीं बनाना हूँ, मैं तेरा प्यार तोड़ दिता। हाँ मैं सवेरे सुबह चले जाना तेरे सुते सुते। एम्बर नहीं नहीं उठेगी। Look, it's so dark outside. So I'm packing some sandwiches for mummy. Sandwich और रोटी और सब्जी। सब्जी में पनीर की भुर्जी, पंजाबियों का फेवरेट पनीर। तो इंस्टेड यू नो रास्ते में लेके खाएं, तो मैं घर साथ में पैक कर रही हूँ। एम्बर के बिना भी मेरा मन नहीं लगेगा जल्दी। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो चुके हैं मॉर्निंग के 5:30 और अब जाने का टाइम आ गया मम्मी के वापस पंजाब जाने का। तो वो आए थे फॉर 20 डेज़ और 20 डेज़ का पता ही नहीं चला कब। मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं करी उनके साथ, तो जैसे जैसे टाइम आता तब लगता कि हाँ बस 1-2 दिन ही रह गए। तो अभी ये जा रहे हैं, 1/2 आवर तक जाएंगे। तो खाना वगैरह बना लिया है और दीपक और एम्बर भी सो रहे हैं, तो मैंने कहा जब भी मम्मी जाएंगी तब भी उनको उठाऊंगी दोनों को। एम्बर का तो चलो नहीं उठाना। और दूसरी बात है, पनीर पंजाबियों का फेवरेट है, तो पनीर की भुर्जी बनाई है साथ में रास्ते के लिए। हालांकि रास्ते में सब कुछ मिलता है बट घर का खाना हमेशा बेस्ट होता है जब आप ट्रैवल करते हो। तो भी जब ये जाएंगी तब मेरा मन ज़्यादा होगा, सामने है ना तो इतना नहीं होता फील। बट इट्स सो डिफ़िकल्ट टू से बाय, बट ये है कि चलो जाएंगे तब भी आएंगे वापस। बट क्या लास्ट 6-7 मंथ से मुझे ये था, मुझे ये होप होती थी कि किसी ना किसी ने आना है पंजाब से। जैसे मेरा ब्रदर भाभी आ गए, उधर मदर इन लॉ आ गए, मम्मी आना था, तो मुझे था कि अभी कोई ना कोई आता रहेगा। बट अभी मुझे अभी पता नहीं कि कौन आएगा, अभी कोई जल्दी नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आए मैं चली गया हूँ ना, फिर आऊँगी। अच्छा ओए सो रही है, सो रही है, सो रहे हैं नानी। चली मैं बाय है, चली नाना वो भूगना नहीं गए। अच्छा फिर आऊँगी, अच्छा तंग नहीं करना मम्मा नु है। नज बजो आहो है। आए पप्पी पाले नाने ने, जप्पी पाले भुगने ने। दिन चढ़ गया एम्बर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नानी चली फिर आऊंगी। अच्छा बड़ी हो गई जब तू तुर ना। हाँ 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 बुग्गा हम कॉल करूंगा तेन बुगे। ओ नानी चलिया मैं, नानी चली हूँ फिर आऊंगी। गुड मॉर्निंग स्लिपी दमाज। कितने पापा दे साढ़े बुगना उठ गए नानी ने दोनों ले उठ गए तो आए मुंह मुंह देख मुंह ना नहीं रोना नहीं है। एम्बर ओ गुगु एम्बर गुड मॉर्निंग। नानी जा रही है पुत्र, नानी जा रहे ने हैं। नानी चले हंस रही है उप्पे। ओ नानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए ओए ओए
तो मम्मी तो चले गए थे, दो तीन दिन हो गए उनके गए, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अच्छा बनाया जाए और हेल्दी बनाया जाए। तो मैंने सोचा, मैंने क्या, दीपक ने सोचा, हमने सोचा कि बेकिंग करते हैं थोड़ी सी। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं रागी कुकीज़। रागी अच्छी मानी गई है बहुत, रागी और घर की जो चीज़ बनाते हैं वो हमेशा अच्छी ही होती है, तो वो बनाने जा रहे हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही ईजी है, तो बनाओगे आप तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं जब बनाते हो चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रागी कुकीज़, रागी बिस्किट्स। रागी जो कि रोस्ट कर चुकी हूँ, व्हीट फ्लावर, ओट्स, गुड़, शुगर नहीं है ऐड कर रहे हैं, तो गुड़ ऐड कर रहे हैं, जैगरी पाउडर, पीनट्स, आलमंड्स एंड सिनेमन पाउडर जो कि मैंने रोस्ट कर रखे हैं वो है, उसका मिक्सचर मैंने बना लिया है, ऑप्शनल है ये, थोड़ा सा दूध, सॉल्ट, सम बटर एंड बेकिंग पाउडर। सो सबसे पहले हमें बटर और जैगरी पाउडर को मिक्स करना है। Adding roasted ragi, wheat flour, oats, peanuts, crushed peanuts. We'll mix it. I'm adding 1 tablespoon of baking powder and salt around 1 spoon. Mix karna hai. जब मिक्स हो गया देन डो बना देंगे इसका मिल्क के साथ। स्लोली ऐड करेंगे मिल्क 1 spoon एट अ टाइम एंड हमारा जो डो है वो मिल्क के साथ रेडी हो गया है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा रनी नहीं रखनी, ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, तो इस डो को हमें फ्रिज में रखना है 10-15 minutes, उसके बाद इसको बेक करेंगे 180 degree पे। तो थोड़ा सा ले रही हूँ और इसकी बॉल बनाई है और इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। सो ऐसे करके रखना है इसको। सो ये अभी 6 मिनट कुकीज़ इसको बनाई है ताकि अच्छी से बन जाए, और ये बनाना है, सेकेंड बैच जाएगा इसमें, तो अभी फर्स्ट बनाते हैं। ये है सेकेंड लॉट जो दीपक ने बनाया है, अभी थोड़ा पतला है, लेट्स सी कैसा है ये। सो फर्स्ट लॉट हो गया फेल, जल गया ये, बट टेस्ट वाइज वेरी गुड। बन गई हमारी कुकीज़, अभी इसको मैं थोड़ी हवा में रखा है ताकि ये, बट अच्छी क्रंची बनी है ये। ये बन गई हमारी रागी कुकीज़ जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। बोलो क्यों तंग किया, हाँ चलो चाय बना दे फिर, ठीक है। ओके सो बन गई हमारी कुकीज़, खा भी लिया, टेस्टी भी बन गई है। एक लॉट जल गया था क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा उसका ऐसे हो गया था। दीपक मैंने बोला अभी, मैं एम्बर को पकड़ के बैठी थी, मैंने कहा कि दीपक देखो मुझे स्मेल आ रही है, नहीं 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 नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, तुमने खुद ही सेक ज्यादा रखा था उसका। मैंने कुछ नहीं रखा था, इस इंसान ने ज्यादा रखा था, तो वो जल गई फर्स्ट लॉट, ठीक है। अपनी गलती नहीं कभी माननी होती, जो लड़के होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं, जो मैन होते हैं, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, बदनाम लड़कियां हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉट जल गया था, सेकंड बहुत अच्छा बना है, खाई है, बिस्किट्स लेके आते हैं अपने साथ में, मुझे ठीक ठाक लगी, मेरे को थोड़ा रागी कड़वा होता है ना, दीपक को रागी पसंद नहीं ज़्यादा। तो जब हमने ट्राई करी रागी, तो दीपक 3-4 कुकीज़ अपने साथ रख ली, बिस्किट साथ में रख लिए रागी के, बाद में एक खा के कहते ओ मेरा पेट भर गया, बहुत हैवी है। तो असलियत बात अभी समझ में आई कि तुम्हें पसंद नहीं आई थी ना, अभी उनको पता लग जाना चाहिए ना। क्या
कि रागी मतलब वो उतना कुकी बना रहे हो? नहीं, वो टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला था टेस्ट उसका, जैसे मार्केट में होती है। अब रागी में, रागी का जैसा टेस्ट होगा वैसे ही होगा ना। थानू ये ना पंजाबी जो होते हैं उनके ना मुंह का टेस्ट डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम है। इनको सिर्फ बटर चिकन दे दो, ठीक है, हूँ तो मैं भी पंजाबी, पर इनको सिर्फ बटर चिकन दे दो, ठीक है, साथ में एक आधा पेग दे दो, ठीक है, साथ में तली हुई चीज़ें ऐसी चाहिए, इनको हेल्दी चीज़ें तो रास नहीं आती। अभी एक बात बताओ ऑडियंस को कि आपने मुझे लास्ट बटर चिकन कब खिलाया था और अपनी शक्ल दिखा दो। क्या हुआ, हंस पड़े आप? अच्छा, आपको याद नहीं आ रहा आपने कब बनाया था बटर चिकन? चलो गाइस बाय, विल फिनिश दिस व्लॉग, बाय बाय, लव यू, बाय तो कर दो, बाय बाय गाइस, गाइस 1 लाख सब्सक्राइबर, बाय सब्सक्राइबर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3